हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मानसूति। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे थिंकर्स के बारे में अब तक डिस्कस कर लिया है। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था कार्ल मार्क्स, और उससे पहले हमने हीगल को भी समझ लिया है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कौन थी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट एक नारीवादी थिंकर थी। ओके, जैसे कि हम सभी जानते हैं, बहुत ही सदियों से क्या चीज़ें चलती आ रही थी, पैट्रियार्की सिस्टम जो है चलता आ रहा था, पितृसत्ता चलता था। जो परिवार का मुखिया होता था, जो मेल होते, जो जेंट्स होते थे, वही सारे डिसीजन लेते थे और अपने सारे डिसीजन लेडीज़ पर थोप दिया करते थे। उनकी ना तो राय ली जाती थी, उन्हें ना तो पढ़ाया जाता था, ना ही उन्हें किसी भी फील्ड में काम करने दिया जाता था। जो उनके उनके हस्बैंड बोलेंगे, उनके फादर जो भी बोलेंगे, या कोई भी ऐसे मेल हैं जो उनके घर में रहते हैं, वो जो भी उनसे बोलते थे वो नहीं करना पड़ता था। तो बहुत ही सदियों से ये चीज़ें चलती आ रही थी। ठीक है, लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं जाता था, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने भी नहीं दिया जाता था। ओके, सो इसी के अगेंस्ट मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने क्या किया, आवाज़ उठाई, और उस पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी। उसका नाम क्या है? द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन। ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो उन्होंने वीमेन्स की एजुकेशन के ऊपर लिखी है, कि उन्हें एजुकेशन प्राप्त जरूर करनी चाहिए। ओके, सो इनका बर्थ जो है 27 अप्रैल 1759 को लंदन में हुआ था। वो एक इंग्लिश राइटर थी और एक फिलोसोफर भी थी। मैरी ने जो है सोशल इक्वालिटी की सबसे ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट में थी, कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर जेंट्स को कोई राइट मिल रही है तो लेडीज़ को भी उतने ही मिलने चाहिए। अगर किसी को पढ़ने का राइट मिल रहा है तो उसमें लेडीज़ भी होनी चाहिए, जो कि पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जो वीमेंस होती थी उन्हें वोट तक नहीं देने दिया जाता था। तो इतनी बुरी हालत उस वक्त थी, जिसकी वजह से मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने आवाज़ उठाई। राइट, सो मैरी ने वीमेंस पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। ओके, और उनके उत्थान की वो बात करती थी, कि इनको पढ़ने दिया जाना चाहिए, इनको काम करने दिया जाना चाहिए, और इन्हें सभी अधिकार जो है बराबर ही मिलने चाहिए। राइट, इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें भी की। अब इनके पॉलिटिकल थॉट पर हम नज़र डालेंगे। नाउ फेमिनिस्ट थॉट ऑफ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। देखो, मैरी एक बहुत ही फेमस लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर थी। उनका क्या मानना था कि वो बहुत ही तरीके से अपनी बात रखती थी। ठीक है, मैरी ने हर एरिया में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, महिलाओं के समानता की वो वकालत करती थी। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का क्या कहना था, कि अगर महिलाओं को शिक्षा यानी कि एजुकेशन उन्हें मिलती है, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो पॉलिटिकल लाइफ और सोशल लाइफ में से सभी तरीके के भेदभाव जो है हो ही नहीं सकता फिर। ठीक है, जो जेंडर बेस्ड इन इक्वालिटी सबसे ज़्यादा फैल रही है, ये सभी तरीके से ख़त्म हो जाएगी अगर उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो वॉलस्टोनक्राफ्ट का क्या कहना था, कि सभी इंडिविजुअल्स समान होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस इक्वल होती है, इसीलिए सभी के साथ इक्वल बिहेव होना चाहिए। इसी के साथ साथ वो क्या कहती हैं, कि धर्म से जुड़ी किसी भी तरीके के भेदभाव वीमेंस के साथ नहीं होनी चाहिए। ओके, और इन सभी तरीके के जो भेदभाव होते हैं, ये पूरी तरीके से बंद हो जाने चाहिए। इसी के साथ साथ मैरी की क्या कोशिश थी, कि सभी वीमेंस को उनको उनकी शिक्षा पे वो ज़्यादा ध्यान देती, ताकि वो पैट्रियार्की सिस्टम जो था, पैट्रियार्की सोसाइटी में खड़ी हो सकें। ठीक है, उन्हें मात दे सके, उनसे लड़ सके, अपने राइट्स के लिए लड़ सके। तो मैरी जो थी, बेसिकली वो इन्फ्लुएंस किससे सबसे ज़्यादा हो रही थी, अमेरिका और फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहीं से हुई थी। ओके, सो मैरी जो थी बेसिकली फर्स्ट फेमिनिस्ट थी। मैरी ने क्या किया, 1790 में एक पैम्फलेट लिखा, जो कि क्या था, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने एडमंड बर्क को खुली चुनौती दी। किस तरीके से, एडमंड जो कि एडमंड बर्क की यहाँ पे बात हो रही है, ये भी एक फिलोसोफर है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंजर्वेटिव थॉट्स जो होते हैं, वो जो परंपराएं होती हैं, उनको सपोर्ट वो कर रहे थे। उनकी एक बुक थी, क्या नाम था उस बुक का, रिफ्लेक्शन ऑन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। उसमें वो कंजर्वेटिव चीज़ों को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, रूढ़िवादी परंपरा और संपत्ति के राइट्स का समर्थन वो कर रहे थे, जिसका विरोध जो है कौन करी थी, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। उन्होंने एक बुक लिखी, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, और इसमें उन्होंने किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रखा है, वीमेंस की एजुकेशन पर। ओके, अब देखते हैं हम रूसो को। देखो, रूसो ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था, ईमाइल। उसमें जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जब वो बात करे थे, जिसमें उन्होंने वीमेंस को सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने के लिए बोला,
कि वीमेंस जो है उन्हें सिर्फ घर के काम करने चाहिए, घर के काम करने के लिए बता रहे थे कि ठीक है वीमेंस जो है सिर्फ अंदर रहे घर के काम करे तो ठीक रहता है, और एजुकेशन को महिलाओं के लिए वो सही नहीं समझ रहे थे, जिसके जवाब में मैरी ने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन की रचना की, जिसमें उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के बारे में सबसे ज़्यादा वो फोकस में रख रही थी। सो फ्रेंड्स, अब हम इनके थोड़े से बुक्स देख लेते हैं। कुछ और बुक्स भी इन्होंने लिखी हुई हैं, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता चुकी वो है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1792 में ही आई थी, मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन 1798 में, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स 1787 में ही आई थी, मैरी अ फिक्शन 1788 में ही आई थी, ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ 1788 में आई थी। ओके, सो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका उद्देश्य सबसे पहले क्या था कि लेडीज़ की जो राइट्स है, वीमेंस के राइट उन्हें मिलने चाहिए, उन्हें पढ़ाई करने का राइट उनके पास होना चाहिए, एजुकेशन उनके पास पहुंचनी चाहिए, उन्हें अपने डिसीजन खुद लेने आने चाहिए और वो उन्हें ये राइट मिलना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। ठीक है, पॉलिटिकल फील्ड हो गया या किसी भी फील्ड में उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और समाज में उन्हें वो इक्वल जो दर्जा है मिलना चाहिए। ठीक है, हर तरीके के काम वो खुद कर सकती है, वो इतनी कैपेबल होती हैं कि वो ये सब चीज़ें कर सकती हैं, सिर्फ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलने की देरी होती है। ओके, सो ये थी इनके थॉट्स, जो कि सिर्फ वीमेन राइट पर वो बात कर रही हैं, पैट्रियार्की सिस्टम को ख़त्म करने की यहाँ पे वो ज़्यादातर बात कर रही हैं, और लिबरल थिंकर होने के साथ साथ वो काफ़ी बहुत ही काम माइंड से चीज़ों को बताने की यहाँ पे कोशिश कर रही हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, इसमें बहुत कुछ तो नहीं था, बट हाँ इसमें जो मेन है इनकी बुक के बारे में, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, उनकी एजुकेशन के बारे में जो बोले, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बाकी आप आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगी तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आपका रहता है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।